वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से स्पीडी रिवाइज योर सेल्फ का पेज नंबर 52 देखेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार उगते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 20, ऑप्शन सी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा माल्टोज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यकृत के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पित्त बाइल जमा होता है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है पित्त, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी ब्रिक गुर्दा में होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त का WBC का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? ए लैंडस्टीनर और पिनर ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकाली जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 31, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा लिनियस ने, ऑप्शन सी ए हो जाएगा इसका। स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉन रे, ऑप्शन बी। कॉकरोच तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्थोपोंडा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का किसे माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नियोपिलाइना, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाली प्राणी कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कछुआ, ऑप्शन बी। सर्वाधिक छोटा स्तनधारी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चमगादड़, ऑप्शन बी। विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि सजीव नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टेनली, ऑप्शन सी। कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन बी। किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साइकस, ऑप्शन बी। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिप्टोफाइटस हो जाएगा, ऑप्शन बी। किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भूरे शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरेला, ऑप्शन डी। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रोमोफाइलस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा काइटिन की, ऑप्शन डी हो जाएगा। कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा माइकोटॉक्सिन, ऑप्शन इसका ए होगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है 5 से 10 दिन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन किन कोशिका में होता है? सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जनन कोशिका, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक
विशिष्टता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्धसूत्री ऑप्शन बी। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रक्टोज ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज किसने की है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हिल ने ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप बनता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्लूकोज ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 ऑप्शन सी। लार्ज सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइलिन ऑप्शन ए। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा रेनिन ऑप्शन बी।